हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है, यदि आप केवीएस पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी केवीएस पीआरटी परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एज लिमिट, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले अगर हम केवीएस पीआरटी परीक्षा की बात करें तो देखिए, ये जो केवीएस की पीआरटी की परीक्षा है ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होने वाली परीक्षा है, जो कि दो अलग अलग लेवल में कंडक्ट होती है, दो अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट होती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, इसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट होता है। देखिए, ये जो रिटन एग्जाम है यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 150 मिनट ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होता है और आपको दोनों को ही यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। अब देखिए, क्वालिफाई करने का मतलब यहाँ पे आपका मैरिट बनती है, आपको मैरिट के अंदर आना होगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम ये रिटन और इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज देखें तो देखिए, इसका जो रिटन का वेटेज है वो 85% है और इंटरव्यू का वेटेज 15% है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि आपको रिटन में जितने ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर सके, जैसे कि 150 अंकों का पेपर है तो यहाँ पे अगर आप 110, 120, 115 तक भी आप ले आएँ तो आपका ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और जो 2018 में पेपर हुआ था केवीएस पीआरटी का, उसमें जो मैरिट गई थी वो 95 मार्क्स पर गई थी। तो देखिए, इस हिसाब से आपके अगर मार्क्स थोड़े कम होंगे यानी कि मैरिट के बॉर्डर लाइन में होंगे तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कई कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि ये जो इंटरव्यू है ये कौन से लैंग्वेज में होता है। आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्योंकि केवीएस स्कूल में आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही पढ़ाना है, यानी कि बाइलिंगुअल टीचर चाहिए उनको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपका जो 150 मार्क्स होता है ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, 70 और 80। 70 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट आता है, जिसमें से पैडागॉजी को छोड़कर बाकी सब कुछ यहाँ पे कितने मार्क्स का आता है, 10-10 मार्क्स का। यानी कि हिंदी आपसे, जो जनरल हिंदी है वो आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश आपको 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, रीजनिंग आपको 10 मार्क्स की, कंप्यूटर साथ ही साथ जीएसजी के आपको 10-10 मार्क्स की पूछी जाती है। और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ ये सिलेबस, डिटेल सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर वो लिंक आपको ओपन ना हो तो आप टेलीग्राम में प्यूपिल टीचर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और इसके अलावा पैडागॉजी आपसे जो पूछी जाती है वो एग्जैक्ट यहाँ पे 20 मार्क्स की पूछी जाती है। और खास बात यह है कि पैडागॉजी का यहाँ पे एक फिक्स सिलेबस दिया गया है, जिसको आप फॉलो करके करेंगे तो आप पैडागॉजी में यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करेंगे तो देखिए, सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पे 80 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से अगेन हिंदी यहाँ पे 10 मार्क्स की। तो देखिए, ओवरऑल जो हिंदी है वो 20 नंबर की होती है, 10 नंबर की यहाँ, 10 नंबर की यहाँ। इंग्लिश जो होती है ओवरऑल 10 नंबर की यहाँ, 10 नंबर की यहाँ। साथ ही साथ मैथ्स जो होती है यहाँ पे डायरेक्ट आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। साइंस आपका यहाँ पे, जो जनरल साइंस है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और ईवीएस, जिसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें केवीएस पीआरटी के अंदर इनका डिटेल सिलेबस जो है सब्जेक्ट कंसर्न का, ये हमें अवेलेबल है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर सकते हैं, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अब देखिए, आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। जो ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, आपको खास करके 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बुक्स, और अगर आप 9th क्लास के बुक्स को बाइबल कहें तो वो गलत नहीं होगा। 9th क्लास के बुक के फिजिक्स के सारे चैप्टर आपको साइंस में मदद करेंगे, साथ ही साथ मैथ्स आपको 9th और 10th क्लास के लेवल की करनी है। मैं मान के चलूँगी कि आपको 6th से 8th क्लास तक के लेवल की मैथ्स आती होगी, क्योंकि अगर आप अभी सीटेट परीक्षा दे के आए हैं तो आपने मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर अब जो मैथ्स का लेवल पूछा जा रहा है, चाहे सीटेट पेपर 1 में हो गया, चाहे सीटेट पेपर 2 में, अच्छा खासा लेवल पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको 8th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, 10th क्लास तक तो आपको करना है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका बेस थोड़ा वीक है तो आप 6th से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ डालिए, सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स भी नहीं छोड़ना, साइंस भी नहीं छोड़ना, सोशल साइंस भी छोड़ना, सब कुछ यहाँ पे, मतलब क्या करते हैं, ये एक साथ ही पूछ लेते हैं 20-20 नंबर में। अब इसके अलावा अगर हम आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, अगर आपने 12th किया है वो भी 50% से, अगर आपके पास डिप्लोमा है जो कि 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और या तो आपके पास डिप्लोमा है वो भी स्पेशल एजुकेशन में, वो भी 2 ईयर का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
साथ ही साथ जो 4 ईयर का डीएलएड होता है उसके साथ भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% है और साथ ही साथ बीएड आपका है तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाओगे, यानी कि एलिजिबल माने जाओगे। हाँ, शर्त यह है कि आपके सीटेट पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्वालिफाई का मतलब क्या है कि क्या 90 वाला ही क्वालिफाई माना जाएगा या यहाँ पे भी हमें मार्क्स देखे जाएंगे? तो 90 वाला ही यहाँ पे जनरल में क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आपके 90 है तो भी आप यहाँ पे अपेयर कर सकते हो, इससे आपके सिलेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपके 110 हैं चाहे आपके 120 हैं, वो तो और अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तक तो यहाँ पे केवी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2018 तक के पेपर में। अब आने वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, साथ ही साथ ये पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा या नहीं होगा, ये तो नई रिक्रूटमेंट आने के बाद हमें क्लियर होगा। तो अभी तक तो हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देखिए, एक जनरल कैंडिडेट की जो एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है वो यहाँ पे 30 ईयर्स की बताई गई है, और ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो 30 में आपका 3 ईयर और ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3+। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो +5 आप यहाँ पे कर लीजिए। वुमेन के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का दिया गया है। अब देखिए, जो वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये नए रिक्रूटमेंट में होगा या नहीं होगा वो हमें टाइम्स के साथ ही पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ KVS PRT की जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस का कंटेंट है, इसके फिजिक्स के मोशन चैप्टर के 3 पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जनरल साइंस की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिसमें मैंने जो क्लास 9th का कंटेंट है मोशन चैप्टर का वो पूरा डाल रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। अगर आपको दोनों में कमांड नहीं है तो आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में कमांड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू राउंड तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे आप उसी लैंग्वेज में अपने आंसर यहाँ पे दे सके। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप चाहें तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ग्रो थ्रू कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो जनरल साइंस है उसका कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।